नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में तमाम दावों के बावजूद भी इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जहां अभी भी घमासान जारी है, तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी इंडिया गठबंधन की सांसें अटकाने का कोई मौका छोड़ते दिखाई नहीं दे रहे। हाल ही में राजनीति में कदम रखने वाली कल्पना सोरेन के लिए निशिकांत दुबे के ऐलान ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दरअसल निशिकांत दुबे ने झारखंड की सियासत को लेकर ऐलान कर दिया है कि सीता सोरेन की तरह ही बसंत सोरेन भी जेएमएम की नाव को मझधार में छोड़कर बाहर निकलने वाले हैं, जिसके बाद झारखंड की सियासत में भूचाल आ गया है। देखना यह है कि चुनाव से पहले गठबंधन की मुश्किलें और निशिकांत के वार का किस तरह से जवाब देता है गठबंधन। तो आज बात होगी गठबंधन के धर्म संकट की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। झारखंड में एकजुटता के तमाम दावों के बावजूद इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सुरता आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। कहीं सीट को लेकर पार्टियों की जिद, तो कहीं बागियों के तेवर की वजह से गठबंधन के साझे चूल्हे की खिचड़ी का जायका बिगड़ता दिख रहा है। चुनाव की घोषणा के 22 दिन बाद भी राज्य की 14 में से 7 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, जबकि दूसरी तरफ एनडीए ने सभी 14 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार कर विपक्ष को चुनौती दे दी है। वहीं झारखंड में बिखरता इंडिया अलायंस को देखते हुए इंडिया अलायंस में ड्राइविंग सीट पर कल्पना सोरेन मजबूत पकड़ बना रही है। राज्य में इंडिया अलायंस के नेतृत्व को भी संभालने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में कल्पना सोरेन ने रांची में झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बैठक की और 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में होने वाली महारैली को लेकर चर्चा की और इस महारैली की कमान भी अपने हाथ में ले ली है। इधर जेएमएम के राजमहल सीट को लेकर विधायक लोबिन हेम्ब्रम बगावत पर उतर चुके हैं। जेएमएम यहां मौजूदा सांसद विजय हांसदा को फिर से प्रत्याशी बनाने का मन बना चुका है, तो दूसरी तरफ लोबिन हेम्ब्रम पार्टी टिकट की परवाह छोड़ अपने बूते मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन इन सभी के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जेएमएम के टूटने की भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन पार्टी छोड़ देंगे। हालांकि बसंत सोरेन का कहना है कि निशिकांत जी बोलते हैं बोलने दीजिए, जेएमएम आंदोलनकारी पार्टी है। मुक्ति मोर्चा नाम की पार्टी, मैंने आपको ध्यान हो कि मैंने कहा था कि 2024-25 होते होते झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की कोई पार्टी नहीं बचेगी, सैम्बल अम्बल सब जब्त हो जाएगा। उसी दिशा में ये जा रहा है, कोई झारखंड चंपई हो जाएगा, कोई जैसे होता था ना एनी होरो की पार्टी होती थी, मुंडा जी की पार्टी होती थी, जयपाल सिंह मुंडा जी की पार्टी हुआ करती थी, झापा हुआ करती थी, एनो सिक्का बनाया करते थे। उसी तरह से आप मान कर चलिए कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपई, झारखंड मुक्ति मोर्चा मथुरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा लोबिन, कम से कम 5-6 भागों में ये पार्टी विभक्त होने वाली है। भविष्यवाणी किस आधार पे करते हैं और उनके जो हम लोग कहते हैं कि ओझा गुनी कौन लोग हैं जिनके दम पे ये सब चीज़ कहते हैं, ये सबको पता है। उन्होंने ओझा गुनी के दम पर ही आज हेमंत जी को उन्होंने तलाकों के पीछे किया है। बहरहाल बीजेपी सांसद की भविष्यवाणी से सियासी भूचाल तो आ ही गया है। हालांकि बसंत सोरेन उनके दावे का खंडन कर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सीता सोरेन की तरह बसंत भी भाई का साथ छोड़ देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये भी कि क्या चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन टूट जाएगा या फिर एकजुट होकर बीजेपी का सामना करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। क्या टूट जाएगा इंडिया गठबंधन, क्या हेमंत सोरेन को लगेगा एक और झटका,
निशिकांत दुबे की भविष्यवाणी हो जाएगी सच। क्या आप छोटे भाई छोड़ेंगे हेमंत का साथ? जेएमएम में हेमंत की जगह अब कल्पना लीडर। क्या टूटते जेएमएम को संभाल पाएंगी कल्पना सोरेन? झारखंड में टिकट बंटवारे में क्यों हो रही है देरी? क्यों इंडिया गठबंधन का बिगड़ा सुरताल? झारखंड में बागियों से कैसे निपटेगा गठबंधन? हेमंत का नाम जमशेदपुर से कौन भेज रहा है? इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा। तो आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन में कल्पना सोरेन एक तरफ तो गठबंधन को संभालती हुई नजर आ रही हैं, महारैली की जिम्मेदारी से लेकर चुनावी तैयारी की जिम्मेदारी अब कल्पना सोरेन के हाथों है, वहीं जिस तरह से निशिकांत दुबे गठबंधन के टूटने को लेकर ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ परवाज खान मीडिया प्रभारी आसू से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक कुमार जी, जिस तरह से झारखंड की बात करें तो कल्पना सोरेन अब चुनावी कमान संभालती हुई नजर आ रही हैं, चुनावी कमान के साथ ही साथ जेएमएम की कमान भी संभालने की वो पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निशिकांत दुबे उनके रास्ते में लगातार रोड़े पैदा करने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको जिस तरह का ऐलान किया है उस ऐलान में कुछ बात आपको नजर आ रही है? जी दीपक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? दीपक जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो हम यहां पर एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। परवाज जी, क्या लगता है आपको कि कल्पना सोरेन जिस तरह से गठबंधन और साथ ही साथ जेएमएम की कमान संभालने की कोशिश कर रही हैं, कितनी सफलता मिलेगी? देखिए, ये तो अब मीडिया का रिपोर्ट के हिसाब से लग रहा है कि वो कमान संभाल रही है, अब उनकी पार्टी बिखर रही है कि क्या हो रही है ये तो भविष्य ही बताएगा। भविष्य क्या बताएगा, अभी जिस तरह से लोकसभा जो चुनाव हो रहा है, महापर्व है ये लोकतंत्र का, लोकतंत्र के महापर्व में भी अगर उनके जो गठबंधन है एक दूसरे से, अभी तक देखिए अभी तक का कोई उनका फार्मूला तय नहीं हुआ कौन किसको डोमिनेट कर रहा है और कौन किसको कर रहा है, तो पहले उधर वो देखे कि पार्टी को देखे तो ये अलग बात है, ये उनकी मतलब निजी है और हम लोग एनडीए के लोग हैं, हम लोग जनता के पास पहुंचे हुए, जनता के मुद्दा से लड़ रहे हैं और हमारा यही रिजल्ट रहेगी, 100% हम 14 सीट पे जीते। निशिकांत दुबे जी का जो ऐलान सामने आया है उस पर क्या कहना है आपका? साफ तौर पर वो तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीता सोरेन की तरह बसंत भी जेएमएम का साथ छोड़ेंगे। देखिए, सांसद महोदय वहां पे है, अब देखिए सांसद महोदय है वहां है, चुनाव पे है, प्रत्याशी है, सांसद महोदय के अपोनेंट कोई अभी तक है नहीं, दिख रहा नहीं, तो सांसद महोदय को भी कैंपेनिंग करना है ना, तो कैंपेनिंग करना है तो जाहिर सी बात है देख रहे हैं कि जिस तरह से लचर हिसाब से दिख रहा है तो उनको सीधा सीधा अगर रेखा लगता है तो इंडिया वाले लोग उनको सीधे वॉक ओवर दे देना चाहिए था, ताकि अगर उनके वाक के प्रहार से बचना चाहिए चाहते हैं इंडिया वाले तो उनको वॉक ओवर दे देना चाहिए, अभी तक उनको कोई घोषणा नहीं हो पाई है, इसलिए सुनना पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि निशिकांत दुबे जी ने जो ऐलान किया है वो चुनावी प्रचार प्रसार का हिस्सा है? अब आप देखिए, अब चुनाव के लिए वो गोड्डा में लगातार वो जीतते आए हैं और फिर वो जीतेंगे, जनता के मुद्दा पे चल रहे हैं और अभी जिस तरह से उनका ओपोनेंट में होता है, लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव लड़ा जाता है ना, लड़ा जाता है तो किसी के अगेंस्ट लड़ा जाता है तभी जीता जाता है, तो अगेंस्ट लड़ा जाता है। अब देखिए, अब चुनाव का बिगुल हो गया, संघनाद बच गया है, अब वो जा रहे हैं कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई तो प्रत्याशी उनके सामने होना चाहिए ना, कुछ तो बोलने के लिए होना चाहिए। अब लोग वहां के मन बना लिए कि सांसद महोदय विकास किए हैं, सब कुछ हुआ है तो कुछ तो आदमी को होना चाहिए चुनाव प्रचार में, किस तरह से अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं मिल पाया है इंडिया गठबंधन का, तो जाहिर सी बात है वो तो बोलेंगे ना कि जिस तरह से पार्टी में अभी इस तरह चल रहा है, घर की बड़ी बहू है वो पार्टी से निकल गई है, जो एक तमगा लगा हुआ था आंदोलनकारी का,
बहू बाहर आ गई है, बाहर इस तरह से बहू का शब्द क्या हो रहा है कि मिलकर झारखंड बचाना, तो बहुत सारी परिस्थितियां हो रही है, तो सांसद महोदय तो वही चीज बात बोले। नहीं, लेकिन प्रत्याशी के अगर नाम का ऐलान नहीं हुआ है तो गठबंधन के बारे में बोलेंगे, लेकिन वो तो साफ इस बात का ऐलान करते हुए, दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बसंत सोरेन सीता सोरेन की तरह जेएमएम का साथ छोड़ जाएंगे। अब देखिए, अब जाहिर सी बात है, अब जब घर की बड़ी बहू निकल गई है और घर की बहू बहू निकल गई है और वो जब उनका पहला शब्द था कि झारखंड को मिलकर हमको बचाना है, तो हो सकता है कि सांसद जी के पास कुछ सोर्स हो, सारा कुछ होगा, तब तो वही बेहतर बता सकते हैं। चलिए, दीपक कुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, वापस आएंगे। परवाज जी, जिस तरह से आप यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को लेकर भी लगातार जिस तरह से बात की जा रही है, अभी तक गणित ये बताया जा रहा था कि 7 सीटें कांग्रेस के पास रहेंगी, 5 जेएमएम के पास और 2 में से 1 सीपीआई 1 आरजेडी को दिया जाएगा, लेकिन सीपीआईएम के बाहर जाने के बाद जिस तरह से आरजेडी 2 सीटों पर दावा करती हुई नजर आ रही है और अब हिसाब किताब ये है कि अभी इन 7 सीटों को लेकर बंटवारा तय नहीं हो पा रहा है, क्या लग रहा है आपको कि जेएमएम क्या एक और सीट आरजेडी के खाते में डालने को तैयार होगी जेएमएम और कांग्रेस मिलकर? देखिए प्रियंका, ये संघनाद हो गया है चुनाव का, लोग उतर गए हैं, प्रत्याशी उतर गए हैं अपने क्षेत्र पे, और अभी इनका 7-5-1 का फार्मूला और इस तरह का जो चलते आ रहा है, आप यहाँ झारखंड ही नहीं देखिए, झारखंड में राजद वही पार्टी है ना जो झारखंड को बनाने के लिए बनने के टाइम में बोला था मेरे लास्ट पर झारखंड बनेगा जी। आज उनके साथ ये गठबंधन बना के अगर लड़ रहे हैं तो राजद का जो कार्यशैली है आप देखिए, बिहार में भी एक देख लीजिए एग्जाम्पल, देखे बिहार में कोई एक पार्टी रहता है, पार्टी को मर्ज करता है वो आदमी, और उसके बाद कांग्रेस ऐसी बड़ी पार्टी उसको सिंबल नहीं देती है, आप सोचिए उसका कितना डोमिनेंट है गठबंधन में, वो आदमी फिर यहाँ पे आता है झारखंड में भी उसी तरह का चीज कर रहा है, तो आप उसको देख लीजिए उनका जो मानसिकता रहा है कि झारखंड को किसी तरह हमको मेरे लास्ट पे झारखंड बना है, उस तरह का जो संज्ञा वो दिए थे, और वो कभी नहीं चाहेंगे झारखंड फले फूले और उस तरह का चीज रहे। आप पॉजिटिव चीज होता अगर झारखंड में अभी तक ये इंडिया अलायंस का अगर प्रत्याशी अगर घोषित हो जा रहा था तो जनता के मुद्दे पे होती बात होती, और चुनाव इसीलिए लड़ा जाता है ना कि एक्सचेंज ऑफ वर्ड होता है, बात होता है, मुद्दा बात रखा जाता है, फिल्टर होता है, तो जनता को सोच के समझने का प्रत्याशी चुनने का मौका मिलता है। आप इस तरह की चीज आप वही कर रहे हैं तो एक भ्रम का जाल फैलाना चाहते हैं और ये चीज हो रहा है, तो ये वो उनके गठबंधन का ये उनका सोच है और किस तरह से ये गठबंधन बना है, क्योंकि इंडिया अलायंस में आप देखिएगा ना बहुत सारा डॉट आता है, आई के बाद डॉट आता है, डी के बाद डॉट आता है, तो डॉट डाउट में हमेशा मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि डॉट डाउट में इनके तब्दील हो जाते हैं। उदय लखमानी जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, उदय जी सवाल का जवाब दीजिएगा आप, आपकी सीटें तो पक्की हो गई लेकिन गठबंधन को लेकर अभी भी सीटों पर बाकी बची सीटों पर इंतजार है, आपको नहीं लग रहा है कि चुनाव का ऐलान हुए 22 दिन बीत चुके हैं और अभी तक राज्य में आपके पूरे प्रत्याशी उतर नहीं पाए हैं? आपका कहना ठीक है, प्रत्याशियों के नाम में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन हम लोग का गठबंधन मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि हमेशा मजबूत रहा है और आज भी मजबूत है हम लोग का। इतना मजबूत है सीपीआईएमएल के साथ हुआ है हम लोग का गठबंधन, और हम लोग की जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते जाएंगे, इलेक्शन की डेट आती जाएगी, वैसे वैसे घोषित होते जाएंगे, 4 और 5 चरण का हम लोग पहले भी अनाउंस कर चुके हैं, 6वें और 7वें का कर रहा है। और अभी जो बात बोल रहे थे कि देखिए राजनीति में कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन रही गठबंधन की बात, तो गठबंधन हमारा झारखंड में बहुत ही मजबूत है, और अभी जैसे ये बोल रहे थे कि मेरे जेएमएम के मतलब उसके नहीं, उदय जी आप गठबंधन की मजबूती का जिक्र कर रहे थे लेकिन उसी गठबंधन की मजबूती में सीता सोरेन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं और उसके बाद अब निशिकांत दुबे का एक बार फिर से दावा ये सामने आया है कि बसंत सोरेन भी जेएमएम का साथ छोड़कर निकलने वाले हैं। देखिए निशिकांत जी एक का मैं सम्मान करता हूँ, बहुत बड़े नेता है और हमेशा वो सुर्खियों में बने रहते हैं, कुछ न कुछ उनकी आप पहले भी देखिए तो चर्चा में वो हमेशा रहते हैं, आज भी उन्होंने ऐसा बयान देके वो अपने आप को मतलब चर्चा में आने का काम किया है,
आज उन्होंने ऐसा बयान दिया तब उनके बारे में यहाँ पे वो बात हो रही है, और ऐसी कोई बात नहीं है जो उन्होंने बयान दिया। भविष्य कोई किसी का नहीं बता सकता कि क्या होगा, भविष्य का दाता सिर्फ भगवान के अलावा कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। इंसान जो ये बोलता है वो अहंकार की भाषा बोलता है, और अपने आप को सुर्खियों में आने के कारण ये बयानबाजी चल रही है। और रही गठबंधन की बात, तो गठबंधन मेरा मैं शुरू से बोलता आया हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो हम लोग का गठबंधन हो चुका है वो मजबूत स्थिति में है, और आने वाले समय में बहुत अच्छी पोजीशन में हमारी यहाँ पे क्या नाम है जीत होने जा रही है। दीपक कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ प्रियंका जी। जी दीपक जी, जिस तरह से निशिकांत दुबे का पहले तो ऐलान सामने आया है, उस ऐलान में दावे में आप कितनी सच्चाई देख पा रहे हैं, क्या वजह है उसकी? और दूसरी तरफ गठबंधन की अगर बात करें तो कल्पना सोरेन जिस तरह से सक्रिय राजनीति में जेएमएम और गठबंधन की कमान संभालती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक ले जा पाएंगी? प्रियंका जी, जहां तक निशिकांत दुबे की बात है, चूंकि हमारे गोड्डा लोकसभा से ही सांसद है, और निशिकांत दुबे लगातार जो है वह जेएमएम के खिलाफ वो बोलते रहे हैं। वह शुरू से कहते रहे कि जेएमएम पार्टी नहीं रहेगी, जेएमएम के सोरेन परिवार के सभी लोग जेल चले जाएंगे, और उसकी बातों में कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई भी देखने के लिए मिली जब हेमंत सोरेन को कस्टडी में लिया गया जी। तो ये बातें, और ये बातें भी इसमें दो मत नहीं है। उन्होंने जब दुमका में कहा इस बात के स्टेटमेंट दुमका में दिया कि अगर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनती है, चूंकि गांडे बाय इलेक्शन में जो है कल्पना सोरेन उम्मीदवार बनेगी, अगर वो बाय इलेक्शन जीत जाती तो हो सकता है कि सरकार में बदलाव हो, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित हो सकता है कि परिवार के अंदर कोई विवाद हो सकता है, क्योंकि आखिर पारिवारिक विवाद का ही परिणाम है कि सीता सोरेन ने भाजपा ज्वाइन किया, और हो सकता है कि बसंत सोरेन भी, हो सकता है कि कहना मुश्किल है, ये नहीं कहना कि निशिकांत जी की बातें सही होगी, बसंत सोरेन ऐसा कर सकते हैं, तो ये बातें जो है संभव है। लेकिन बसंत सोरेन ने खुद कटाक्ष किया कि पता नहीं निशिकांत जी को कहां से ये सब बातें सूझती है, किस आधार पर वे बात कहते हैं, तो ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि निशिकांत दुबे अपने बयानों के कारण जो है हमेशा विवादों में बने रहते हैं, तो ये एक उनका बयान रहा। दूसरी बात यह है कि 21 तारीख को जो घटना 21 तारीख को जो रैली होगी जी महागठबंधन की रांची में, तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने पिछले बार भी पैनल में कहा कि कल्पना सोरेन वहां पे पूर्ण रूप से जेएमएम की लीडर बनकर के उभरेगी, और वह जेएमएम को पूरे अपने कमांड में लेने की तैयारी कर चुकी है, और जेएमएम उनके साथ में खड़ी है जी। तो ये बातें, दो चीजें सामने आ रही है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि खास करके लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, और गांडे बाय इलेक्शन में अगर कल्पना सोरेन जीतती है तब जेएमएम कितना मजबूत रह पाता है, क्या बसंत सोरेन जेएमएम में रहेंगे या निशिकांत दुबे की बातों को सच करेंगे। जी बिल्कुल, गठबंधन को लेकर जिस तरह से आपने ये तमाम बातें कही, लेकिन उसके अलावा अभी एक बात ये भी है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन गठबंधन में 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अभी भी नहीं हो पाई है, ना ही फॉर्मूला पूरी तरह से तय हो पाया है कि आखिर आरजेडी को कितनी सीटें दी जाएंगी। देखिए, जहां पर ये बातें मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस अपना होमवर्क करने में सबसे पीछे है। कांग्रेस को जो काम करना चाहिए था पहले वो अभी तक नहीं कर पाई है, अभी भी वो तालमेल नहीं बिठा पा रही है। और मैं प्रियंका जी बता सकता हूँ दावे के साथ कि कांग्रेस खुद अपने ही नेताओं से परेशान है, उनके एक एक लोकसभा सीट पर 3 से ज्यादा दावेदार है। अगर कांग्रेस एक को लेकर आगे बढ़ती है तो 2 को बनाना पड़ रहा है, ये स्थिति से कांग्रेस जूझ रही है, और कांग्रेस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसका परिणाम है कि सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर के कांग्रेस को इतना समय लग रहा है। कांग्रेस को डर है कि अगर किसी एक को देते हैं तो दूसरा कहीं पार्टी छोड़ने का ऐलान न कर दे। उदय जी जवाब दीजिएगा इस पर। दीपक जी का बोला हमने बढ़िया से सुना है, उनका कहना अपनी जगह पे है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत मजबूत कैंडिडेट है, कमजोर कैंडिडेट नहीं है, और हम लोग सोच समझ के ही मैदान में अपना कैंडिडेट देंगे, ताकि हम लोग का एक ही मकसद है कि बीजेपी को कैसे हम लोग को
परास्त करना है, कैसे हराना नहीं, कमजोर और मजबूत की बात दीपक जी नहीं उठा रहे, उनका कहना है कि एक ही जगह पर कई कई दावेदार हैं और आपकी पार्टी में अंदरूनी तौर पर ये तय नहीं हो पा रहा कि किसे उतारा जाए और किसे बिठाया जाए। प्रियंका दीपक जी परिवार का बड़ा जरूर है लेकिन सहमति से ही सब होगा, नाराजगी नहीं होगी। आपस की मेल से ही सब काम हो रहा है और हमारे परिवार में भी देखिए एक पार्टी का इनके प्रत्याशी को सिंबल नहीं दिए, वो निर्दलीय रो रहा है। देखिए बीजेपी हताश होती है, बीजेपी हताश होती है और बीजेपी का एक ही मकसद है लेकिन उदय जी कैंडिडेट के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी आपसे बहुत पहले कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है और 14 की 14 सीटों पर ऐलान हो चुका है। देखिए उनका हो चुका है, हमारा नहीं हुआ है, मैं मानता हूँ कि देरी जरूर हुई है लेकिन पिक्चर आपके सामने जल्दी आ जाएगी। पांचवें बना दिए है, छठे और सातवें का देना है, फोर्थ फेज से हमारा चालू है, अभी उसमें समय है, जल्दी हमारे हो पाएगा, चाहे बिहार हो या झारखंड है, कांग्रेस कोई इसमें फैसला नहीं ले रही है, सारा फैसला झारखंड इन्हीं के ही पार्टी के लोगों ने दिया है, बीजेपी अपने घर को नहीं देखती है और दूसरे घर में ज्यादा झांकती है, इनका काम है दूसरे घर में झांकना, अपने घर को वो देखे ना, धनबाद में देख लीजिए आप दुल्लू महतो के इनको बाबूलाल मराठी का लिख दिया गया है, आपने गलत कैंडिडेट को दिया है, ये तो अभी लालू जी आप लालू जी का बोलते थे ना, लालू जी के आप लालू जी अपने घर को देखा है ना, लालू जी बोलते थे पहलवान दिखाओ कहां है आप, और इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से कंजना हो गया है आपके पहलवान, हम लोग जवाब देंगे। नहीं लेकिन परवाज जी का तो ये भी कहना है कि लालू जी सीटें डिसाइड कर रहे हैं बिहार से लेकर झारखंड तक। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग की सहमति से होता है, ये इनके कहने की अपनी बात है, कोई ये उनके साथ नहीं बैठे रहते हैं। तो आरजेडी को दो सीटें देंगे क्या आप उदय जी, इस पर क्या कहना है आपका? आरजेडी को एक ही सीट मिलेगी, सीपीआई एमएल को भी एक सीट मिलेगी, 5 जेएमएम को मिलेगी, 7 कांग्रेस को मिलेगी। दीपक कुमार जी क्या लगता है आपको? दीपक कुमार जी जी आती हूँ परवाज जी आपके पास आती हूँ। दीपक कुमार जी अब मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ प्रियंका जी कि लालू जी जो है झारखंड में सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, अगर उन्हें सीटों का बंटवारा करने का मौका मिलता तो वो एक सीट क्यों रखते अपने लिए, वो एक से ज्यादा सीट रखते, तो ऐसा नहीं, जो महागठबंधन के तहत जेएमएम कांग्रेस और राजद ने मिलकर तय किया है अपने परसेंटेज के आधार पे, वही हकीकत है। लालू जी यह हो सकता है कि वो अपने उनको जो महागठबंधन में सीट मिला है उनमें वो अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने ममता भुइया का घोषणा कर दिया, उन्होंने ममता भुइया को उन्होंने सिंबल दे दिया पार्टी के तरफ से आपके वहां से, तो यहाँ पे यह चीज है कि जो सीट उनको मिली है वहां की वो घोषणा कर सकते हैं, बाकी जो सीटें तय है वो सबको आप जान रहे हैं कि 7-5 और एक आरजेडी एक सीपीआईएम, तो यहाँ पर जो है 7 सीटों पे कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे और जल्द से जल्द करे और ये जो अंदरूनी किस्से हैं कहानियां उसको कंट्रोल करे, नहीं तो आप लास्ट में कोई भी उम्मीदवार उतार लेंगे, बहुत ज्यादा विक्ट्री आप नहीं ला पाएंगे इस तरह। जी परवाज जी, दीपक जी को मैं करेक्शन करना चाह रहा हूँ, दीपक जी जो बोले कि लालू जी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, लालू जी जब डिसाइड नहीं कर रहे हैं तो एक बात बताइए है कि 7-5-1 का जब फार्मूला था तो फिर चतरा में क्यों अड़े हुए हैं, अरे उदय जी बोल रहे थे कि उनको एक सीट मिला तो फिर चतरा में क्यों एक प्रत्याशी दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को नेता को ज्वाइन करा के वेट करवा रहे हैं। देखिए पप्पू यादव भी बिहार में चले गए उस तरह से लालू जी के हाथों, यहाँ भी झारखंड में इस तरह से,
आप कैसे बोल सकते हैं दीपक भाई कि आप लालू जी का यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं चल रहा है? आप बोले, मैं तो यही बोल रहा हूँ प्रियंका जी को कि आप इसको ऑन रिकॉर्ड रख लीजिए कि ये जो उदय जी बोल रहे हैं ना कि आप एक का जो फार्मूला बना है वो फार्मूला को आप दिखा दीजिएगा आने वाले कल। अभी कृष्णा अग्रवाल को धमकी दी गई, चलिए कुल मिलाकर समय मेरे पास नहीं है, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, परवाज जी, उदय जी और दीपक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में लगातार अभी भी इंडिया गठबंधन की 14 की 14 सीटों को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई है, उम्मीदवारों के नामों को लेकर सीट शेयरिंग पर कहीं ना कहीं फॉर्मूला बनता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन आखिर में कौन से उम्मीदवारों को किस मैदान से उतारा जाएगा उस पर अभी भी फाइनल सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। उसके अलावा कल्पना सोरेन जिस तरह से इंडिया गठबंधन में जेएमएम की कमान संभालती हुई नजर आ रही है, अब देखना यह होगा कि चुनावी तैयारी तो कल्पना सोरेन ने कर दी है, कितना फायदा जेएमएम को चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन के सामने आने से मिल पाता है, या किस तरह से टूटते बिखरते जेएमएम को संभालने का काम कल्पना सोरेन कर पाती हैं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।